नेपाल के हिमालय में बसे इस छोटे से खिंगा गांव की कहानी आज से 10,000 साल पहले की है। यहाँ रहने वाले मंगोलियन लोग हर रोज अपनी मौत का सामना करके जिंदा रहा करते थे। खाने के लिए याक का मांस, पीने के लिए याक का दूध, खून को जमा देने वाली -25 जैसे टेम्परेचर में याक के खाल की इस्तेमाल करते। दूर दूर तक कोई दूसरे इंसानों की कोई आवाज नहीं। जहाँ कहीं भी देखो, ना पेड़ ना पौधे, सिर्फ बंजर जमीनें, पत्थर और बर्फीली तेज हवाओं का कहर। चीजें बदली, टाइम बदला, युग बदला, और फिर एक दिन सुबह अचानक से सूरज की किरणों के साथ एक छोटी सी किरण नजर आई। एक संत महात्मा मुक्तिनाथ आए शिव की भक्ति करने, कुछ जड़ी बूटियों के साथ। भक्ति में लीन होने से पहले यहाँ के लोगों को जिंदगी का वरदान दिया। बंजर जमीनों को ऐसा उपजाऊ किया कि आज यहाँ नेपाल का सबसे मीठा सेब होता है। लेकिन ये कहानी उन मीठे सेबों के बारे में नहीं है, ये कहानी यहाँ के गांव के बारे में। मेरे साथ है मिस्टर मिस्टर पेम्पा, यहाँ के लोकल। थोड़े शर्मीले लेकिन काम चल जाएगा। तो जी, हम जा रहे हैं अभी मुक्तिनाथ से 1 किलोमीटर नीचे एक होटल है, एक ढाबा है। जब हम आते वक्त आए थे थोड़ा सीन छोड़ के आए थे, तो अभी उस सीन को पूरा क्रिएट करना है, पूरा बनाना है। और हमें वहाँ पे किसी ने इन्वाइट किया था कि यार आप हमारे गाँव में आइए, तो वहाँ पे गाँव में भी जाके आएंगे और बहुत सी तगड़ी तगड़ी चीज़ें होंगी। क्योंकि इससे पहले मैंने वो घर शायद आपने भी नहीं देखे, ऐसे ऐसे पुराने हज़ारों कितने हज़ार बोलूँ यार मैं, 10,000 इतना काफ़ी होगा, 15,000, इतने हज़ारों साल पुराने घर। और वो घर घर टाइप के नहीं दिखते, पता नहीं क्या है वो। यहाँ से कुछ मुक्तिनाथ ऐसा दिखता है बाहर से। क्या हाल चाल है? थैंक यू यार। हल्दी में हो गया यार सारा। भाई तुम्हारी आधी किलो हल्दी तो हम लेके जा रहे हैं, आधा किलो हल्दी हमारे कपड़ों पे है हल्दी। अरे भाई सब क्या हाल चाल है? आप आए नहीं यार कल? अरे कल आप फोन नहीं किया ना, फोन नंबर दिया था ना मैंने। हाँ नंबर दिया था ना आपने, तो बोला था कि जब याद करोगे तब आ जाएंगे। इसने याद किया था तुम्हें? फोन कर देने से तो आता था ना। यहाँ तैयारी खाना पाइन छे, साथे चिया नाश्ता। ताई राम राम। राम 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 राम। कपड़े धो रहे हो? जय राम। हाँ राम राम जय राम। हाँ कपड़े धो रहे हो? कपड़े धो रहे हो। ये देखो आपको मैं, देखो बोतलों का सही यूज़ ऐसे किया जाता है। देखो बढ़िया से इसका डेकोरेशन भी हो गया, बोतल भी यूज़ होगी। देखो और ऐसा नहीं है एक ही एक है, एक टूबर गए एक गोरखा है, फिर एक टूबर गए फिर एक गोरखा है। बढ़िया से बनाएगी ये। अभी ये धीरे धीरे तीनों फ्लेम जल जाएगी, तीनों बार तकरीबन 10 मिनट बाद में ठंडी गर्म कर लेगा। अभी बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। मैंने कभी बोला नहीं है ऐसे तो बहुत नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, शर्माओ मत, लाज मत आओ। ये हमारे साथ मिस्टर पेम्पा। तो पहले हम यहाँ पे इस गांव को देखेंगे और फिर जाएंगे उन हज़ारों साल पुराने गुफा के अंदर जहाँ पे लोग पहले रहा करते थे सदियों पहले। और ठंडी बहुत है भैया। ये एप्पल के है ना? हाँ एप्पल का। ये मेरा है। हाँ ये मेरा है। आपका ये? हाँ। आपने बताया नहीं मेरे को। बता क्या बताया? सीधा पाइपलाइन 20-20 में टंगी है ना? हाँ हाँ हाँ, वो से कनेक्शन होता है। इसमें तो बर्फ नहीं आ रहा ना? बर्फ आता है मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में आता है? मॉर्निंग टाइम में। हाँ यहाँ पे भाई साहब पानी इतना ठंडा है ना, पानी ठंडी है। 15-15, 20-20 दिन यूँ ही निकल जाते। करेक्शन, 15 दिन नहीं, 1 से 1.5 महीना भी निकल जाता है। कई बार तो 2-2 महीने भी निकल जाते कि भैया नहाए नहीं है। क्योंकि जिस दिन यहाँ पे घाम निकलता है, घाम ये लोग सूरज को बोलते हैं, कुकुर कुत्ते को, बिरालो बिल्ली को। तो जिस दिन घाम नहीं निकलता ऐसा होता है कि विंटर सीजन के अंदर बहुत कम चांस होता है। हमारे जैसे होली दिवाली होती है, जितने भी त्यौहार होते हैं
उतने यहाँ पे सूरज निकलने के दिन होते हैं। तो जिस दिन सूरज नहीं निकलता है वहाँ पे चारों तरफ जितनी भी पानी निकलने के लिए पाइपलाइन है, पानी आने के लिए जितनी भी सारे सिस्टम है सारा फ्रीज हो जाता है। पानी पीने के लिए स्नो इकट्ठी करते हैं, एक बड़े से बर्तन में स्नो डालते हैं और उसे गर्म करते हैं। इतनी सारी अगर आप गर्म करोगे तो पानी निकलेगा सिर्फ 2 लीटर, वो इंसान के पीने के लिए। नहाना वाना खाना बनाना वो बात अलग है। तो तकलीफ तो यहाँ पे बहुत है, मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे लोग वहाँ पे रह सकते हैं, एक विंटर निकाल सकते हैं। ऐसा अगर चैलेंज के लिए कि रहना है तो बात अलग है, लेकिन भाई साहब हवाएं जान निकाल लेती हैं। अगर सर खुला रह गया, कहीं आपने टोपी नहीं पहनी है या जैकेट नहीं लगाई अच्छे से, आप रेडी होके नहीं बैठे हो, तो भाई साहब डॉक्टर कम से कम 3-4 घंटे दूर रहते हैं। यहाँ पे गाँव के अंदर डॉक्टर वगैरह भी नहीं, ना मेडिकल शॉप, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या सेल हो रही है? ये हमारा क्लोथ सेल है। बहुत छोटा है, इससे बड़ा नहीं है। ये चीज इससे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। चले जाओ दूर से आया, ले जाओ। आज बहुत ठंडा गिरा है, बहुत ठंडा है। ये कितने का देते हो आप? कितने का है ये? फिला फिला ये भैया लोकल चीज है, इससे ठंड बिल्कुल नहीं लगती। और यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा बिकती है। ये एप्पल के फिर से खेत आ गए, छोटे छोटे घर देखो यार, कितने पुराने पुराने घर हैं। इसमें क्या है, इसमें जाएं क्या? नहीं नहीं जाएगा हम। अरे अंदर क्या है? अंदर किस नहीं है, ये आप घास आलदा है, घास। आज आज अंदर चलते हैं। गाय बैठे, गाय बस्त की। एक पुरानी गुफा कहाँ पे? एक गुफा नहीं है, इधर मैं इधर आदमी रहता है ना। आदमी तो रहता है लेकिन आगे आगे नहीं है, इधर तो गाय बस्त रखता है। ये किसी का घर है क्या ये? ओके इधर गाय बस्त, गाय बस्त। ये इसके अंदर भी काउ कैट। बहुत अंधेरा है यार, यहाँ पे क्या है? इधर बत्ती नहीं है ना, गुफा। हाँ गाय के लिए। काफी गर्म अंदर से ना, लकड़ी पत्थर और मिट्टी से बनता है ये। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये किस चीज के लिए लगाए जाते हैं? ये हमारा बुद्धिस्ट धर्म के माने, इसको कहते हैं माने 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 माने। बहुत ज्यादा पुराना है ये तो। हाँ। अभी रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं रिपेयर, ये ऐसा अच्छा है। अच्छा है, ये अच्छा है, म्यूजियम के लिए ठीक है। ये इधर भी है, इसका अंदर से कहाँ जाएगा? अंदर बहुत हजारों साल पहले ये हमारा बिल्डिंग है ना। हाँ हाँ। वो ये दरवाजा है, ये गेट मेन गेट सब टूटा पड़ा है ना अभी। हाँ, टूटा है। ये हमारा म्यूजियम है। कौन सा? ये हमारा ओल्ड हाउस, ओल्ड म्यूजियम। हाँ हाँ। ये पौड़ियाँ सीढ़ियाँ ना। हाँ सीढ़ी है, आप जा सकते हैं। इस पे चढ़ें क्या? कोई दिक्कत नहीं है, पर सामान भी चढ़ना। यहाँ पे अंदर एक क्या है? बहुत छोटा है। इसमें क्या होता, इसमें क्या रखते हैं? गाय भैंस कहाँ से होता, कहाँ से चढ़ता है? गाय भैंस फ्रूटी पीता है क्या? फ्रूटी नहीं। ये अभी गाय भैंस के लगे वायु करती है। Oh.
इधर से जगह नहीं, इधर से जगह नहीं नीचे उतरने के लिए। ये मेरा घर है, ये मेरा छोटा सा घर। ये मेरा घर है, ये मेरा डॉगी। उसका क्या नाम है? डॉगी बड़ा जैकी, जैकी 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 जैकी। अब साथ लेने जाना है क्या? अभी साथ में लेके जाएगा ना। खुश हो रहा है। हाँ खुश हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कौन सा ब्रीड है? ये मेरे को नहीं पता, बहुत ये अच्छा देखा है मैं। मतलब डॉगी अच्छा है? डॉगी अच्छा है, बेबी से पाला है ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। आ जाओ आ जाओ, दे दो। नटी नटी, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। चलो जी, चलो ये ले जाएगा आपको, निकल जाएगा। अरे भाग रहा है ये। पिछले बार हमारा भूकंप आया था ना। हाँ, वो भी आगे एक भूकंप आया था ना। हाँ हाँ, 2015 में। हाँ 2015, तो उसके अंदर सब बिखर गया। हाँ, उसका सब बिखर जाए, वो सब पक के जाने से। वो बहुत स्ट्रांग है ये मिट्टी। हाँ, इसके अंदर पत्थर है ना? पत्थर पत्थर नहीं, ये अकेले माटा का नहीं, ये है ना, ये है ना पत्थर। पत्थर भी हो बट लेकिन ज्यादा मिट्टी है, ज्यादा मिट्टी है सब। हाँ। हमारा इधर नहीं है, इधर जाने का नहीं पता। अरे भाई क्या है नीचे? दरवाजे देखो यार, फ्रंटर के लोग। ये पुराना साल का, ये क्यों बांध रखा है? ये क्या है? ये आपको याक पता है क्या? याक क्या, कहाँ पता? याक के छाले, छाले के स्किन, स्किन स्किन। यहाँ पे क्यों बांध रखा है इसके? ताकि ये टूटे ना, बिखरे ना। टूटे ना, ना बिखरे ना, इसको इसे ऐसे जोड़ता है। कनेक्शन दे रहा है ना। ये अभी बनाया है ये इसका। ये भी मेरा ही है क्या? ये मेरा है। आपका है? इसमें क्या है? ये भीतरा हमारा क्या है, ये अंदर हमारा आदमी रहता है, एक बंदे रहता है जो हमारे घर के बकरा है ना। हाँ हाँ, भेड़ बकरा। हाँ भेड़ बकरी। हाँ हाँ, भेड़ बकरा चरे रहा, मतलब चराने के लिए वो यहाँ पे इंसान रहता है। हाँ इंसान रहता है, आदमी रहता है। अरे मेरे को बहुत दिक्कत आता है ना। किस बात में? हिंदी में? हिंदी में। चुप चुप चुप, आवाज सुनो, आवाज सुनो। ये सब पानी की आवाज है, पानी। Thank you.
अगर आप ध्यान से ड्रोन शॉट के अंदर देखो तो आपको वो केव्स नजर आएंगी छोटी छोटी, जो दिखने में छोटी है लेकिन पास जाने में पता लगता है कि भाई साहब कितनी बड़ी केव है। वहाँ पे जाने के लिए बीच में वैली क्रॉस करनी पड़ती है, रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, तो वो भाई साहब हमारे बस की बात नहीं। 8, 9, 10 घंटे पैदल जाओ, और यहाँ के लोकल लोगों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। वो एक टाइम था जब लोग वहाँ पे रहा करते थे, वहाँ पे हिम्मत थी उन केव्स के अंदर रहने की, वहाँ पे जाने की। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे हर एक के पास iOS, एंड्रॉयड, स्मार्ट टीवी, हर एक चीज़ है। टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज होनी बाकी है। अभी आगे भैया ठंडी हवा है। आपको पता है क्या आप अभी कहाँ रह रहे हैं? हम इस गांव का नाम क्या है? गिंगा। गिंगा? किंग आ नहीं खेमकार हाँ खेंखा खेंखा हाँ खेंखा खेंखा गांव है भैया। ये जमाने जमाने के विंडो विंडो कंडीशन हाँ अच्छा है। इसका ये पिलर लगा रखे है क्या? ऐसे समझो मतलब इसकी वजह से ये पूरा टिका हुआ है। ये पूरा दीवार इसकी वजह से टिका हुआ है। ऐसा ही है मैं जो बोलना चाह रहा था भाई समझे नहीं। आजिए आजिए देखो हर एक विंडो में एक पिलर रखा। ये चीज किसके लिए है? ये जाल? ये जाल कभी कभी ऐसा अटैक होता है। किस चीज का? वुल्फ वुल्फ वोल्फ भेड़िए वगैरह इंसानों पर भी अटैक करते हैं कभी कभार, क्योंकि उनको खाने के लिए सर्दियों में कुछ मिलता नहीं। बाकी सारे जानवर है, याक है या हिरन है या जितने भी जानवर है, सारे चले जाते हैं नीचे सर्दियों से बचने के लिए। तो यहाँ पे रहते हैं सिर्फ भेड़िए, और भेड़िए शिकार फिर उसके लिए सारा ये जाली वगैरह लगाई गई है प्रोटेक्ट के लिए रखते हैं ये जाली। इनके इनके बाल वगैरह कब काटते हो आप? नहीं होता है इसके आप ही टाइम होता है समर में आप आपसे आप जड़ जाते जड़ जाते जड़ जाते विंटर में ये संभल के रखते हैं मजबूत रखते हैं। विंटर में इसी भी ठंड लगती है ना वही शानदार है यहाँ का। तो ये जी हिमालयन लाइफ हिमालयन विलेज पतली पतली गलियाँ पत्थरों से बनी पत्थरों से बने घर मिट्टी और पत्थर। मार्फा गांव सही है क्या? हमारा गांव सही है हाँ। ये क्या चीज़ बना हुआ है? ये हमारे प्रोटेक के लिए प्रोटेक गॉड हाँ प्रोटेक अब क्या बोलते हैं ये गॉड प्रोटेक्ट गॉड प्रोटेक के लिए इविल्स इविल्स कोई दिक्कत ना आ जाए। जो अपने नज़र बट्टू नहीं होता जो नज़र के लिए लगाया जाता है वो ये चीज़ है। ये पेन से बनाया गया ना? हाँ पेन से हाँ। ये लामा जी ने बनाया। लामा जी ने हाँ बुद्धिस्ट मॉन्क हाँ जी हाँ जी ये देखिए इसका बूटा देखो बूटा बूटा मतलब बूटा मतलब इसका क्या बोलते हैं इसका फ्रेम हाँ 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 फ्रेम आर्ट हाँ हाँ सही है ना इसका हाँ, बूटा बोलते हैं क्या इसको? हाँ इसका नेपाली में से बूटा बोलता है सिबूटा बूटा बूटा सही जा रहा है ये बेटा हमारा। ये ठंड में एक्चुअली घर ज़्यादा ठंडे होते हैं बाहर से, और इनके अंदर मिट्टी लगाई जाती है गर्म रखने के लिए। अंदर मिट्टी होती है ताकि घर गर्म रहे। पत्थर ठंडा होता है बाहर से पत्थर और अंदर से मिट्टी। हाँ जी क्या बोल रहे हैं ये आंटी लोग बोल रहे हैं कि अभी ड्रोन उड़ा रहा अभी आंटी बैटरी डाउन हो गया ठंड की वजह से सभी बोल रहे हैं डाउन रहो ड्रोन रहो लेकिन बैटरी चला गया यार ठंडी की वजह से ठंडी। ये क्या चीज है? कौन सा? वो वाला वो हमारा हॉल है। हॉल हॉल है कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है जैसे कोई गांव में छोटा बहुत क्राइम हो गया या कोई छोटी मोटी चीजें होगी तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मीटिंग रखेगा। यहाँ पे मेन मुखिया है ना? मुखिया कौन है? मुखिया अभी नहीं है। हर साल में इलेक्शन होता है मुखिया के लिए। टर्न बाय टर्न यहाँ पे पर्चियाँ
जितने भी नाम होते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो मुखिया बनने के लिए, सरपंच कह लो, सरपंच के लिए जितने भी खड़े होते हैं, तो उनके पर्ची बनाई जाती है और पर्ची से वो ऐसे ऐसे करके वो चोर पुलिस वाले पर्ची नहीं खेलते, क्या बोलते हैं उसे, तो वैसे करके वो फिर पर्ची निकालते हैं, एक पर्ची निकलते हैं वो फिर मुखिया बनता है एक साल के लिए, हर साल फिर दोबारा दूसरे साल चेंज होते आते हैं। ये था हमारा, ये था मेरा, ये हमारा एप्पल फार्म, एप्पल पॉर्नी, इट्स नाउ एप्पल पॉर्नी टाइम। एक इसके एक के कितने लग जाते हैं एप्पल, कितना किलो लग जाता है? लगा तो 12 किलो। 12 किलो अभी आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। ये भी यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्पल होता है ना, एप्पल, पोटैटो, पोटैटो और पेड़ पौधे छोटे बहुत लाए गए हैं यहाँ पे, जमीनों को उपजाऊ की है, बहुत टाइम लगा इस चीज़ों के अंदर, और अभी जाके यहाँ पे घर वगैरह बने हैं, थोड़े बहुत लिविंग स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब बहुत मुश्किल थी यार जगह। मेरे को सही में पता नहीं लग रहा कि आपको जो मैं देख पा रहा हूँ वैसा कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा यार, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये जी यहाँ का टेंपल बुद्धा का, अभी ओपनिंग नहीं हुई है, पिछले साल कंस्ट्रक्ट हुआ था, और काफी बड़ा टेंपल है, काफी बड़ा है। हाँ देखो कितनी तेज चल रही है, ग्रीन पेंपा, ये ग्रीन और येलो और एक रेड कलर का भी फ्लैग है ना, एक व्हाइट कलर का भी है, ब्लू कलर का, इसका कोई मीनिंग है या मतलब कि इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ब्लू मीन्स स्काई, व्हाइट वाटर, ओके, ग्रीन लैंड, ओके, रेड फायर, फायर, इसका भी मीनिंग होगा। ये नेपाल का फ्लैग है, और बीच में दूसरा साक्या, 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 साक्या मतलब साक्या एक बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिस्ट। और ये तीसरे वाला जिसपे वो सन बना हुआ है, सूरज बना हुआ है, बीच में डॉट बना हुआ ऑरेंज कलर का, मेरे कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, मैं शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ की रात की कहानियाँ बड़ी फेमस है, कुछ डरा देने वाली, कुछ रियल चीज़ें, लेकिन वो अलग टॉपिक है, अलग बात है, बड़ी कहानी है, वो किसी दूसरे दिन और करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग भाई साहब A1 है, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की बातें, हर एक चीज़, आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप यहाँ पे इस जगह पे जाते हो, पूरे मुक्तिनाथ या पूरे मस्तांग रीजन के अंदर। तो ये था हमारा छोटा सा एक हिमालयन विलेज टूर, और बाकी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कब जाना चाहिए, कब कौन सा मौसम बेटर है, किस चीज़ के लिए, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में। तो अभी आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, राम राम।